अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है राइटिंग के हवाले से। स्टूडेंट्स तो हम ऑलरेडी राइटिंग के साथ साथ रीडिंग तो सिखाते रहे, लेकिन जो आज की हमारी वीडियो है हम उसमें बच्चों को जस्ट राइटिंग सिखाएंगे। राइटिंग के लिए मैंने कुछ गाइडिंग लाइन्स दी हैं, जो गाइडिंग लाइन्स हमारे स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में है, आप वहाँ से जाके गाइडिंग लाइन्स ले सकती हैं, उनकी बनावट का तरीका ले सकती हैं। लिटिल बिट मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊँ कि यह है स्ट्रेट लाइन, यह है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन है थोड़ी सी लेटी हुई लाइन है, जो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट तो है लेकिन ये लेटी हुई है, और स्ट्रेट लाइन जो है बिल्कुल स्टैंडिंग तरीके से है। इसको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं और स्लीपिंग लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। यह है हमारी स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन दो तरह से होती है, एक तो ये इस तरीके से भी होती है और दूसरी ये इस तरीके से भी होती है। इसके अलावा ये हमारी कर्व लाइन है, ये स्मॉल कर्व है हमारा, इसको हम हुक भी कहते हैं। इसके अलावा ये हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल को देखेंगे कि सर्कल का ही हाफ किया हुआ है, लाइक राउंड 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 और स्टॉप, मतलब ये हाफ सर्कल है। इसके साथ देखें ये सर्कल है, ये है कंप्लीट सर्कल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने गाइडिंग लाइंस का तो बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताती चलूँ कि बच्चों के जहन में जस्ट एक चीज़ डाले कि जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो अपर थ्री लाइंस में आएंगे, जो ऊपर वाली तीन लाइनें हैं, लाइक ये देखें ये हमारे पास चार लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये जो ऊपर वाली थ्री लाइंस आपको नजर आ रही हैं, अपर थ्री लाइंस, कैपिटल लेटर्स जितने भी बड़े लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स जिनको कहते हैं, वो अपर थ्री लाइंस में ही आएंगे। वो हम सेंटर या नीचे वाली लाइंस में कहीं नहीं लिखेंगे, वो हम अपर थ्री लाइंस में ही लिखेंगे। एक तो बच्चों को ये चीज़ बार बार हमने याद दहानी करवानी है। इसके बाद हमने बच्चों को बताना है कि स्मॉल लेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कुछ वो अपर थ्री लाइंस में आते हैं, कुछ वो सेंटर टू लाइंस में आते हैं और कुछ वो बॉटम थ्री लाइंस में आते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊं कि आपने घर में बच्चों को राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करवानी है। राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करवाना है कि फोर लाइंस की कॉपीज आपको कहीं से भी मिल जाएगी, कोई वर्कशीट ले ले। वर्कशीट की भी इतनी कोई खास ज़रूरत तो नहीं है, आप कोई भी वर्कबुक, कोई भी कॉपी, आम सी नोटबुक ले सकते हैं जिसके ऊपर फोर लाइंस होंगी। उन फोर लाइंस का आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स को आपने गाइडिंग लाइंस के थ्रू जो स्कूल में वो करके आए जस्ट घर में रिप्रोड्यूस करवाना है। जस्ट आपने बच्चों को हेल्पिंग डॉट लगा देने हैं। फर्स्टली आपने एक पेज के ऊपर हेल्पिंग डॉट लगाने हैं। हेल्पिंग डॉट का मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट ट्रेसिंग उन्हें दे देनी है, नो, आपने ट्रेसिंग में इस फॉर्म में, आपने ये जो ट्रेसिंग नज़र आ रही है इस फॉर्म में आपने बच्चों को बिल्कुल नहीं देना। आज आपने बच्चों को जस्ट कहीं कहीं डॉट लगा के देने हैं, जो कि स्टार्टिंग डॉट होंगे, जो कि जस्ट इनिशियल डॉट होंगे। और ये आप हमारी बुक में से ये पैटर्न देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि आपने किस अंदाज में बच्चों को देना है। हेल्पिंग डॉट के बाद आपने बच्चों को एक सिंपल प्लेन पेज देना है जिसके ऊपर जस्ट लाइन्स ड्रॉ होंगी। लाइन्स के ऊपर बच्चे खुद से लिखेंगे विदाउट हेल्पिंग डॉट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चों को अभी भी इनिशियल पॉइंट की या एंडिंग पॉइंट की अभी भी समझ नहीं लग रही, तो 2 से 3 बार आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को हेल्पिंग डॉट के साथ। याद रहे कि आपने जस्ट इनिशियल हेल्पिंग डॉट देना है। इसके बाद आपने देखना है कि बच्चे जहाँ पे हेल्पिंग डॉट के बगैर काम कर रहे हैं, आपने थर्ड पे या फोर्थ पेज पे आपने बच्चों को हेल्पिंग डॉट के बगैर काम करवाना है, ताकि आपके बच्चों को याद रह सके। इसके साथ साथ आपने बच्चों को सीक्वेंस भी याद करवाना है। सीक्वेंस के लिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस को बहुत बार बताया है कि आपने बच्चों को अल्फाबेटिकल सॉन्ग सिंग करना है। अल्फाबेटिकल सॉन्ग बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सीक्वेंस याद करवाने का। सिंगिंग मेथड से बच्चे बहुत अच्छे अंदाज में सीक्वेंस सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने सीखा है कि बच्चों को अल्फाबेट कैसे लिखवाना है और उनको राइटिंग किस अंदाज में करवानी है। स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।